चाहते हैं कि डायबिटीज केयर कम्युनिटी वर्कर जो है जिस कम्युनिटी में भी रहते हैं वो अपने आसपास स्कूल्स में, वर्किंग प्लेस पे, हॉस्पिटल में, सेंटर में, जहाँ भी काम करते हैं, डायबिटीज़ के विषय में जाने और लोगों की देखभाल करें। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विजय राय, मेडिकल सुपरिटेंडेंट राव तुलाराम हॉस्पिटल से। नमस्कार। हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि डायबिटिक फूड क्या है और एक कम्युनिटी वर्कर को इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। नीरज जी, पहले तो मैं कुछ आंकड़े देना चाहूँगा कि करीबन 3.25 करोड़ लोग इस टाइम इंडिया में डायबिटीज से ग्रसित हैं और इनमें से करीबन 15% हर डायबिटिक आदमी, जो डायबिटीज जिसको होती है, उनमें से 15% लोगों को अपने जीवन काल में कोई ना कोई पैर से जुड़ी ही डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन उनको होती है। और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स सुन करके आश्चर्य करेंगे कि हर 30 सेकंड पर विश्व में एक पैर जो है कट जाता है, और पैर कटने वाले जो केसेस हमने, सबसे मुख्य कारण जो है डायबिटीज़ का है। तो जो डायबिटिक फूड की आपने बात कही है कि डायबिटीज़ के या मधुमेह के रोग से ग्रसित लोगों में जब भी पैर में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उस सारी समूह को, उस बीमारियों के समूह को हम लोग डायबिटिक फूड कहते हैं। और डायबिटिक फूड कई तरह से हो सकता है, छोटा सा एक बॉयल भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, आपकी ब्लड वेसल्स की डिजीज़ की वजह से उसमें अंदर गैंग्रीन पैदा हो सकती है, पैर काटने की नौबत आ सकती है, ये सारी की सारी जो समूह है बीमारियों का, उसे हम डायबिटिक फूड कहते हैं जी। और एक कम्युनिटी वर्कर को, जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम क्यों ये सिखाना चाहते हैं, सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि उनको क्यों जानना ये ज़रूरी है? कम्युनिटी वर्कर्स को ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताई, डायबिटिक्स की वजह से लोगों के पैर कट जाते हैं, 85% ये जो पैर कटते हैं ये प्रिवेंटेबल हैं। यानी कि अगर हम सही समय पर इस बीमारी को पकड़ सकें, उसका निदान कर सकें, तो 85% जो हमारे ये लोग हैं जो बच सकते हैं जी। और दूसरी चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कल्पना कीजिए कि एक डायबिटीज़ का मरीज जो अपना इलाज करा रहा है, उसका जरा इकोनॉमिक फैक्टर भी देखिए आप जी, कि उसका पैसा इलाज में भी जा रहा है, ऊपर से अगर उसको एक कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो जो आदमी काम कर रहा है, वर्कर है, वो उसके काम से जाता रहेगा। इसकी बड़ी गंभीर सोशल इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए डायबिटीज फूड का इलाज करना अति आवश्यक है। इसमें यह है डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि हमारे कम्युनिटी वर्कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनका रोल थोड़ा एम्फसाइज करना मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा उनका रोल एम्फसाइज करें, ताकि उनको ये महसूस हो कि हम उन्हें ये सिखा रहे हैं, ये नहीं कि एक पार्ट ऑफ कोर्स के लिए सिर्फ सिखा रहे हैं, बट उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी, और ये बहुत अहमियत, जैसे आपने कहा कि ये बहुत सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करता है इससे, और प्रोडक्टिविटी इंसान की, क्योंकि अगर पैर खराब हो जाएंगे तो नेचुरली जब अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी और बाकी कामकाज करने में भी दिक्कतें आती हैं उसको। आप जानती हैं कि कम्युनिटी वर्कर को परिवारों के साथ, लोगों के साथ, जहां वो रहते हैं वहां पर उसको जाकर के पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, और वही एक ऐसा आदमी है जो न सिर्फ मरीज को बता सकता है, हम उसे ज्ञान भी दे रहे हैं कम्युनिटी वर्कर को कि वो खुद पहचान सके कि बीमारी कैसी है। तो जब भी वो डायबिटीज़ की वजह से या किसी मरीज के यहाँ जाता है, देखने जाता है, या मरीज़ उसके पास अगर आता है, तो फुट एग्जामिनेशन को इग्नोर ना करें जी, पैर को अवश्य देखें, और किस तरह से वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है जिससे कि इस गंभीर दुष्परिणाम को, डायबिटीज़ का जो दुष्परिणाम है, इसे बचा जा सकता है। यानी कि एक कम्युनिटी वर्कर का जो रोल है सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उसको रेफर करना पेशेंट को गाइड करना, पेशेंट को हेल्प करना, एग्जामिन करना, और उसके विषय में बताना, एक एजुकेटर की तरह, गाइड की तरह, एक हेल्पर की तरह, और उसको समझाना है कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं डायबिटिक फूड के। और सबसे पहली बात है कि वहां तक पहुंचने ही क्यों दिया जाए पेशेंट को, इसके प्रिवेंट किया जाए कॉम्प्लिकेशन, ताकि शुरू से ही जो पेशेंट है अपना फूड केयर ठीक से करे, रोज एग्जामिन करे फूड, और अपने जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो डॉक्टर के पास जरूर जाए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि फूड एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं फूड एग्जामिनेशन के। बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, और कम्युनिटी वर्कर्स को ये जानना होगा कि
फुट एग्जामिनेशन के बिना डायबिटीज के मरीज की केयर अधूरी है। ये जैसा मैंने बताया कि कितनी आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, और ये हर विजिट में होनी चाहिए, और इसकी फाइंडिंग्स जो है आपको रिकॉर्ड करनी होंगी, पीरियोडिकली नोट करनी पड़ेंगी, और ये जानना होगा कि डायबिटीज़ में नाड़ियों की इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ के मरीजों में फुट डिजीज़ बहुत कॉमन है, और ऑलमोस्ट 75-90% लोगों में न्यूरोपैथी अल्टीमेटली किसी किसी स्टेज पर पाई जाती है। एक कम्युनिटी वर्कर को जब पेशेंट को एग्जामिन करना है डायबिटीज़ के मरीज़ को, तो उसे क्या क्या चीज़ पूछनी चाहिए? तो सबसे पहले तो उसे एक पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, अपनी जांच वो करेगा, कुछ छोटे मोटे टेस्ट करेगा जिससे कि पेशेंट की जो गंभीरता है, बीमारी की गंभीरता उसको पता चलेगी, और सारी चीज़ें उसको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, जब भी वो पेशेंट को देखें तो एग्जामिनेशन का पहला है कि पेशेंट को कंफर्टेबल करना, उसके मन में अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है, उसका निदान करना है, उसको एश्योर करना है, प्राइवेसी एंश्योर करनी है, जिससे कि उसको मन में कोई एंग्जाइटी ना रहे कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि पैर एग्जामिन करेंगे, उसके अलावा आपको घुटना या ऊपर थाइस भी देखनी पड़ सकती हैं, तो पेशेंट को प्राइवेसी होनी चाहिए कि अगर कपड़े हटाए जाएं तो उसको किसी किस्म का संकोच ना हो। उसके बाद पेशेंट को छूने से पहले अवश्य बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं, पूरा प्रोसीजर उनको एक्सप्लेन करें कि मैं ये करने जा रहा हूँ, उससे भी पेशेंट की चिंता कम होगी। और हिस्ट्री जो पूछी जानी है वो हिस्ट्री किसी फॉर्मेट पे लें, वो फॉर्मेट अगर शुरू में आप जा रहे हैं तो अपने साथ लिखित में ले जाइए, अगर आपके पास लिखित में मान लीजिए कि नहीं है, या वक्त के साथ एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। दूसरा कि उसके बाद पैर को एग्जामिन करें, और एग्जामिन में पहले ये नहीं कि देखते ही पैर को सीधे छू दिया, सबसे पहले अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आईज के जरिए एक अच्छी लाइट में पैर को रखने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के जरिए ही पकड़ी जा सकती हैं। उसके बाद आप जो है सिंपल टेस्ट कीजिए, पेशेंट को उसकी कंडीशन एक्सप्लेन कीजिए, परिवार को बताइए साथ साथ जो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आवश्यक है, अगर आपको लगता है कि कुछ कंडीशन मैंने ऐसी देखी है जो कम्युनिटी वर्कर के लेवल पर ट्रीट नहीं की जा सकती है, तो डॉक्टर को अवश्य रेफर करें। जी, यानी कि उनको हिस्ट्री लेनी बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, और हिस्ट्री टेकिंग में एक ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग और एग्जामिनेशन, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक कम्युनिटी वर्कर को ये जानने के लिए। डॉक्टर साहब, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कम्युनिटी वर्कर कर सकते हैं या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको डॉक्टर के पास रेफर करना जरूरी है? देखिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कम्युनिटी वर्कर को ना सिर्फ कर सकने की बात नहीं है, उसे करना है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी वर्कर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट है, हेल्थ सिस्टम का एक कॉन्टैक्ट जो पेशेंट के साथ है, तो उसकी अंतिम कड़ी हमारा कम्युनिटी वर्कर है जी, और उसको एग्जामिन करना आवश्यक है। लेकिन हाँ, कहीं एग्जामिनेशन का प्रक्रिया या तरीका अगर बहुत गूढ़ है, कॉम्प्लेक्स है, तो वो चीज़ डॉक्टर पे छोड़ी जा सकती है। लेकिन कुछ छोटे मोटे टेस्ट जो मैं बताऊंगा अभी, वो ऐसे हैं जो कम्युनिटी वर्कर आराम से कर सकता है, और उससे बहुत वैल्यूबल जानकारी मिलेगी डॉक्टर को। जब भी वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका एग्जामिनेशन जो फाइंडिंग देखेगा, ये बहुत काम आएगी उसके। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में और डिटेल में जाएं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि कुछ कॉमन न्यूरोपैथीज डायबिटीज में होती हैं, तो न्यूरोपैथीज के बारे में थोड़ा सा उनको बताइए कि किस टाइप की होती हैं और ये क्यों होती है न्यूरोपैथी। हम पहले पुराने सेशन में बता चुके हैं कि किस प्रकार से डायबिटीज की केयर की जानी चाहिए, किस प्रकार इंसुलिन का, दवाओं का प्रयोग, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की जानी चाहिए। इसके बावजूद भी ये पाया गया है कि कई मरीजों को अंदर नाड़ी की जो बीमारी है, नाड़ियां कमज़ोर होना, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अक्सर इस प्रक्रिया में 10 से 15 साल लग जाते हैं, अगर बीमारी कंट्रोल में ना की जाए तो जल्दी भी आ सकता है। ये न्यूरोपैथी या ये नाड़ियाँ मुख्यतः तीन प्रकार से शरीर को प्रभावित करती हैं। पहला कि सेंसरी सिस्टम, कि अगर आपकी जो सेंसेशन है, नाड़ी से आपको मालूम है सेंसेशन भी आती है, अगर सेंसरी सिस्टम का की नाड़ियाँ अफेक्टेड हैं तो उससे जो होने वाली बीमारियाँ हैं उनमें आपके पैरेस्थीजियाज हैं, यानी कि सेंसेशन बदली हुई महसूस होती है, हाइपोस्थीजिया है कि सेंसेशन महसूस नहीं होती है, ठीक है, और डिसस्थीजियाज हैं जिनके अंदर कि आपको हर वक्त आपको दर्द होता रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि जलन की जैसे फीलिंग हो रही है। डिसस्थीजिया जो है सनबर्न लाइक सेंसेशन है, यानी कि जैसे आपको धूप लग जाए, जल जाए आदमी, वैसा लगता है, और ये हर वक्त होता रहता है, पेनफुल कंडीशन है।
पैरेसीजिया जैसे मैंने बताया कि उसमें एबनॉर्मल सेंसेशंस कि आप बैठे हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कोई सुई चुभ हो रहा है या इलेक्ट्रिक करंट जैसी फीलिंग हो रही है। इसके अलावा हाइपोस्थीजिया मैंने बताया थे जिसमें रिड्यूस सेंसेशन होती है, मसल पेन हो सकता है जो कि सोते टाइम रात को आपको डल एक महसूस हो सकता है, रात को फीलिंग हो सकती है ऐसा लग रहा है कोई मेरे पैर को दबा रहा है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा है, जो नर्वस सिस्टम जो हमारा पल्स ब्लड प्रेशर हमारी वेसल्स को कंट्रोल करता है वो भी इफेक्ट हो सकता है। इसकी वजह से चक्कर आना, यूरिन पे कंट्रोल कम हो जाना, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाना और मोशन ठीक से ना होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट से होती हैं। और मोटर सिस्टम यानी कि जो हम चलते फिरते हैं उसकी नाड़ियों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाना, मसल का कमज़ोर हो जाना, सूख जाना, जिसकी वजह से पैरों में डिफॉर्मिटी आ सकती है। ये आम कॉमन न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स हैं जो हम आम प्रायः देखते हैं डायबिटीज के अंदर। यानी कि एग्जामिन करते टाइम जब वो हिस्ट्री हमारा कम्युनिटी वर्कर लेगा तो इन सब चीजों का उसको ध्यान रखना पड़ेगा जी। क्योंकि कई बार पेशेंट से जब हम पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को समझ नहीं आएगी, कई बार आप लोगों को एम्फसाइज करना पड़ेगा कि आपको दर्द तो नहीं होता, जलन तो महसूस नहीं होती, या जितने सिम्टम्स है कई बार आपको बताने पड़ते हैं पेशेंट को, तब पेशेंट शायद कई बार याद करता है कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी या है ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाए और कॉमन डिफॉर्मिटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ये तय है कि जब भी हमारा कम्युनिटी वर्कर जब पेशेंट को एग्जामिन करेगा तो जो जो प्रोटोकॉल्स हमने डायबिटिक केयर के बता रखे थे उसको पहले जी वो सारे तो फॉलो करेगा ही करेगा। आज हम फोकस कर रहे हैं कि जब वो पैर को देखने लगेगा तो पैर को कैसे देखेगा जी। पैर पर जाने से पहले हमेशा आप स्किन को जरूर देखिए, चमड़ी को जरूर देखिए और चमड़ी में देखिए कि कहीं कोई उसमें डिस्कलरेशन तो नहीं है, कहीं वो कहीं काली है या लाला उसमें लालपन आ रहा है। उसकी आम स्किन आप जानते हैं कि वेट होती है, सॉफ्ट होती है, अगर वहाँ पे वो स्किन आपको ड्राई दिखती है, बहुत ज़्यादा पतली दिखती है, या स्किन का टेम्परेचर अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा लगता है, दोनों हालत के अंदर आपको मालूम है कि ये कॉम्प्लिकेशन की पहचान है और आपको केयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक कॉमन चीज़ है कि घुटने के नीचे सामने की तरफ आपके जो पैरों के बाल हैं पुरुषों में या महिलाओं में भी वो बाल जो है गिर जाते हैं, ये शो करता है कि उस पैर की ब्लड सप्लाई कम हो रही है। इसके अलावा पैर के जब सोल देखेंगे आप, सोल में अगर आप नीचे का हिस्सा तो उसमें आपको अगर क्रैक दिखाई पड़ते हैं, उसमें आपको अगर क्रैक कितने गहरे हैं ये देखना पड़ेगा आपको, उसमें से ब्लड तो नहीं आ रहा है, किसी किस्म का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पैरों में कॉर्न्स हो जाते हैं, खासतौर से अगर आपका पैर का वजन आपके पंजे पे पूरा नहीं पड़ता है तो कॉर्न्स डेवलप हो जाते हैं, कैलोसिटीज डेवलप हो जाती हैं, अक्सर पैरों में देखा होगा, अगर वो हैं तो उनको नोट कीजिए। मसल्स को नोट कीजिए कि मसल्स में वेस्टिंग तो नहीं है, एक पैर के मुकाबले दूसरे पैर के मुकाबले में वेस्टिंग तो ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा नेल्स को देखिए, टोज को देखिए, जो छोटी उंगलियाँ हैं हमारी, अगर उनके अंदर आपको लगता है कि नेल जो है ब्रिटल हो गए हैं, काले हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, या पैरों में डिफॉर्मिटी नज़र आ रही है, या उसके अंदर आपको फंगल इन्फेक्शन की एविडेंस दिखाई पड़ रही है, यानी कि दो उंगलियों के बीच की जो जगह है अगर उसके अंदर आपको लालापन या कोई छाला दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, वो भी आपको पहचान है कि आपको इन्फेक्शन जो है डेवलप हो रही है, शुरू हो रही है। तो ये पॉइंट्स आपको एग्जामिन करने हैं जब भी आप देखते हैं। यानी कि ये सारे पॉइंट्स हमारे जब हिस्ट्री फॉर्म में होने बहुत जरूरी है, इसका मतलब बिल्कुल, यानी कि हिस्ट्री फॉर्मेट जो भी हमारा कम्युनिटी वर्कर यूज करेगा तो उसको देखना है कि हमारा हिस्ट्री का जो फॉर्मेट है कॉम्प्रिहेंसिव है, अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से आपको डिटेल एग्जामिनेशन लेना है, करना है, डिटेल हिस्ट्री लेनी है और उसको डॉक्यूमेंट करना है। इससे पहले कि हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, डॉक्टर साहब, पेशेंट का गेट देखना या कैसे चलता है पेशेंट, क्या वो भी बहुत जरूरी है एक कम्युनिटी वर्कर को देखना, या उसका कुछ अफेक्ट होता है पेशेंट के ऊपर, पैर के ऊपर? जी, मैं एक्चुअली पैर की एग्जामिनेशन के साथ साथ मैं दो तीन पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे उसकी चाल जी, पेशेंट आप तक जब आ रहा है या अगर बैठा भी है तो आप उसको कहें कि आप चल के दिखाइए, चलने से आपको पता चल जाएगा कि अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, पंजे में है, घुटने में है, जांघ में है,
हिप जॉइंट के अंदर है तो भी आपको पता चल जाएगा कि उसकी गेट कैसी है जी। इसके अलावा आपको पेशेंट का एग्जामिनेशन में फुटवियर भी देखनी जरूरी है। मेरा मतलब है कि आप जब पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं तो पेशेंट को सिर्फ पैर को ही ना देखें। अगर पेशेंट ने जूते पहने हुए हैं, अगर वो उनको कहाँ से घिसे हैं, वो पेशेंट के कितने फिट आ रहे हैं कि अनफिट आ रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपको वहीं पे एडवाइस करना पड़ेगा कि वो जो पैर, वो जो आपके जूते हैं या जो आपके फुटवियर है वो आप उसको बदलना पड़ेगा। बहुत हार्ड सैंडल वगैरह नहीं पहनने चाहिए, हवाई चप्पल नहीं पहननी चाहिए जिस जो कि पूरे की तरह से उसका पैर जो उस पर नहीं पड़ता है, सिंथेटिक मटेरियल नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह मोजे जो है, मोजे भी बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। ये चीज़ भी आपकी एग्जामिनेशन का हिस्सा है जी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो अक्सर थोड़ा सा कम्युनिटी वर्कर के लिए मुश्किल पड़ सकता है, वो है पल्सेस चेक करना। बट मेरा मानना है कि अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो हमारे कम्युनिटी वर्कर आसानी से पल्सेस को चेक कर सकता है। फुट पल्स हाँ। जैसे हम सबके सब रेडियल पल्स, हम सबके सब जानते हैं कि रेडियल पल्स हम कहाँ महसूस करते हैं। पैरों में जो पल्सेशन है वो आपको जांघ में, यानी कि जब आदमी खड़ा होता है तो जांघ के अंदर जो जो जॉइंट होता है पेट का और जांघ जहाँ जुड़ती है उसके बीच में फीमोरल पल्स होती है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। और दोनों तरफ की पल्स को देखा जाना चाहिए। इसी तरह से घुटने के पीछे बीचों बीच पॉपलीटल आर्टरी होती है, उसको भी देखना जरूरी है। और वही आर्टरी जो नीचे जाती है तो दो पार्ट में बढ़ जाती है, तो उसमें आपको एक आर्टरी है जिसको डॉर्सलिस पीडिस आर्टरी कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है। ये एंकल में, यानी कि आपका जो पैर का नीचे का हिस्सा है उसके ठीक सामने बीचों बीच एक डॉर्सलिस पीडिस आर्टरी होती है। इस आर्टरी में अगर पल्सेशन नहीं है तो मान के चलिए कि पेशेंट को किसी न किसी रूप में डायबिटिक फुट की कॉम्प्लिकेशन पैदा होने वाली है। मैं यही जानना चाहती थी कि उनके लिए जानना क्यों जरूरी है पल्स को फील करना जी। तो ये अगर एग्जामिनेशन फाइंडिंग ये देखते हैं और इनको अभी पकड़ लेते हैं और जितनी जल्दी ये पकड़ेंगे उतनी जल्दी रेफर करेंगे, इसलिए मेरी नजरों में इनकी ट्रेनिंग जरूरी है। और थोड़ी सी ट्रेनिंग के अंदर ये पल्स को पहचानना बहुत आसान है, सारी पल्सेशन बताई जा सकती है। इसमें सिर्फ पल्स की बीट देखनी होती है या डॉक्टर साहब इनको रिदम भी देखनी है उसकी या फ्रीक्वेंसी भी, क्या देखना पड़ता है इसके पल्स में? जब पल्स फील करते हैं तो सबसे पहले पल्स की जो वॉल्यूम है जी, पल्स जो है, जैसे आप देखेंगे कि अगर हम नब्ज को हाथ लगाते हैं तो जो पल्स बड़ी आसानी से नजर आ जाती है वो नॉर्मल है जी। बाउंडिंग पल्स होती है, अगर पल्स का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको बाउंडिंग पल्स कहते हैं। इसी तरह जब वो वीक होती है तो वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर समस्या रहती है पल्स का लो वॉल्यूम होना, और जब बहुत ज्यादा लो वॉल्यूम हो जाएगा तो एक कम्युनिटी वर्कर उसको नहीं पहचान पाए तो हम कह देंगे कि वो पल्स एब्सेंट है। ठीक है, ऐसे औजार भी हैं जिसके जरिए हम इस चीज को और अच्छे से कर सकते हैं जो डॉक्टर के पास मौजूद होते हैं। लेकिन अगर एक प्राइमरी एग्जामिनेशन में अगर एक चीज पकड़ ली गई, इवन शक भी डाल दिया गया कि लगता है कि आर्टरीज में ब्लड सप्लाई कम है, वॉल्यूम कम है, तो हम उसको आगे फर्दर जांच के लिए पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया कि पेशेंट को कैसे एग्जामिन किया जाए, उसकी हिस्ट्री कैसे ली जानी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि हिस्ट्री लेना, एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना पेशेंट को, और फिर पेशेंट को समझाना, एग्जामिन करके उसके डॉक्यूमेंटेशन करके उसको रेफर करना, ये चीज़ें बहुत ही अहमियत रखती हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको हिस्ट्री लेंगे तो हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग का कितनी अहमियत है और ये क्यों ज़रूरी है कम्युनिटी वर्कर को डॉक्यूमेंट करना, और कैसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए उसको ये सारी फाइंडिंग्स। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन, पहले तो मैं बताऊँ कि डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। कोई भी वर्कर, कम्युनिटी वर्कर, ये लाजमी है कि कम्युनिटी में बहुत सारे मरीजों को देख रहा है और वो सारी चीज़ों को अपने मेमोरी में नहीं रख सकता जी है। और दूसरी चीज़ की कौन सी फाइंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जब डॉक्टर के पास मरीज पहुंचता है तो डॉक्टर को मालूम है कि किस फाइंडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है और उसको ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में उसको कितनी अहमियत देनी है। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर फॉर्मेट पर की जाए और उसको रिकॉर्ड करके किया जाए, जैसा मैंने पहले बताया था, तो कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। तो डायबिटिक फुट रिकॉर्ड के हेडिंग में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पेशेंट की डिटेल्स अवश्य लिखिए और उसका जो रिकॉर्ड है बेहतर है उसके पास ही छोड़ दीजिए, उसको बता दीजिए कि अगली बार देखूंगा तो फिर मुझे दिखा देना, क्योंकि पेशेंट सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड
अपने पास संभाल के रखता है, लेकिन अगर आपको शक है कि घर की परिस्थिति ऐसी है जहां कि वो नहीं रख सकता, कच्ची झोपड़ी में रहता है जी, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आप जो है इसको दे दीजिए। पेशेंट कम्युनिटी वर्कर भी रिकॉर्ड रख सकता है, लेकिन पेशेंट के बाहर रहना ज़्यादा अच्छा है। एक बार जब ये बेसिक डिटेल जब आपने रिकॉर्ड करी हैं, उनको लिखने के बाद इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको दिखा रखा है कि जो हिस्ट्री के अंदर जो फाइंडिंग आपने रिकॉर्ड करी हैं कि डायबिटीज़ के अलावा अगर कोई हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की डिजीज़ की हिस्ट्री है, कार्डियक डिजीज़ की हिस्ट्री है, अल्कोहलिज्म है, तम्बाकू खाने की आदत है, आंखों में कोई चेंजेस हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड हैं जी। ये परफॉर्मा डायबिटिक वर्कर के पास अवश्य होना चाहिए, और जब वो अपनी फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा, जितना वो रिकॉर्ड कर सकता है, जितना उसके बस में है, जितना उसको आता है, हर हेडिंग में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एग्जामिन नहीं कर पाएगा वो जी, लेकिन ये अवश्य कह सकता है कि आप इसमें रेस्पिरेशन रेट कितना है, रेस्पिरेशन में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, पेशेंट को सांस लेने में परेशानी है कि नहीं है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर भी इसी प्रकार से अपनी ग्रॉस मोटी मोटी ऑब्जर्वेशन जो वो रिकॉर्ड कर सकता है। कार्डियोवास्कुलर में पूछ सकता है कि उसको सांस तो नहीं फूलती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, तो उस तरह से जी। इसके अलावा उसको जो है पैरों में हाथों में स्वेलिंग तो नहीं है, फेस पे स्वेलिंग तो नहीं है, यानी कि सारी की सारी एग्जामिनेशन फाइंडिंग वो लिखेगा, और डायबिटिक फुट के लिए अलग से एक फुट की एग्जामिनेशन की फाइंडिंग अलग से लिखेगा, गेट को रिकॉर्ड करेगा कि गेट में चलने में उसको पैरों में कोई लंगड़ापन तो नहीं है, चलने में पैर लटका के तो नहीं चल रहा है, ठीक है, पैर में कहीं चोट तो नहीं है, हाँ जी। वो सारी की सारी फाइंडिंग अपनी वो रिकॉर्ड करेगा। फिर उसका डिफॉर्मिटीज जो हैं कि अगर फ्लैट फुट है तो बताएगा जी, जो अगर अगर जो है टोज जो है डिसलोकेटेड है, ठीक है, रॉकर बॉटम डिफॉर्मिटी जिसमें कि पैर जो है ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर की सारी आर्चेस खत्म हो गई, बल्ज करने लग जाता है, अच्छा, क्राउडिंग ऑफ टोज है, हेलस वेलगस और हेलक्स रिजिडस में कुछ टर्म्स हैं। हेलक्स वेलगस का बेसिक मतलब यह है कि जो ग्रेट टो अगर बाहर की तरफ देख रही है तो वेलगस डिफॉर्मिटी है, अंगूठा जो है रिजिडस का मतलब है कि उसका मुड़ना बंद हो गया है जी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मेडिकल टर्म में यूज होती हैं, कम्युनिटी वर्कर को इसलिए बताई जाती हैं जिससे कि जब वो एक्सप्लेन करे, डॉक्टर से मुलाकात करे, तो उसको पता रहे कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। जॉइंट्स को देखना है, वेब स्पेसिस जैसे मैंने बताया था कि फंगल इन्फेक्शन के बीच की जो जगह होती है जी, हाँ। और हेयर कैसा है, हेयर आपका अगर जो है ड्राई है, डिसलोकेटेड है, ब्रिटल है, या कहीं से हेयर उड़ चुका है। इसके अलावा अगर कुछ टेस्ट पेशेंट ने कराए हैं वो उनको रिकॉर्ड करेगा, जो पल्सेशन जो हमने बताई थी, पल्सेशन अगर उसको फील होती है नहीं होती है वो अपने रिकॉर्ड करेगा जी। अगर नहीं होता है तो लिख देगा कि नॉट रिकॉर्डेबल जी। यानी कि डॉक्टर साहब जो रिकॉर्ड एक हमारा कम्युनिटी वर्कर रखेगा उसको ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों का, और कुछ चीजें उसको शायद जांच के दौरान पता भी चल जाएंगी, ऑब्जर्व करके भी पता चल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक चीज मैं अपने कम्युनिटी वर्कर से, स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी, बहुत सारे पेशेंट होते हैं सेम नाम के आते हैं, तो उसमें उनके हस्बैंड का, फादर का नाम, घर का एड्रेस बहुत ध्यान से लिखें, प्लस जब भी अपने आप डॉक्यूमेंट करें उसके नीचे अपने सिग्नेचर, पूरा नाम और डेट जरूर डालें, क्योंकि मोस्टली लोग क्या होते हैं अपने इनिशियल डाल देते हैं, वो नहीं ठीक नहीं रहता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेरा कहने का, मैं शायद डॉक्टर साहब भी मेरे से सहमत करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है हमारे हेल्थ में, एक ये लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है पेशेंट का, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है या लीगल केस होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत जो है सिर्फ पेशेंट की केयर के लिए नहीं है, एक ये लीगल डॉक्यूमेंट भी है, कल कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी और आपके इंस्टीट्यूशन की सेफ्टी भी इन डॉक्यूमेंट्स पे बहुत निर्भर करती है। शायद डॉक्टर साहब कुछ इस पे कहना चाहेंगे जी। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कम्युनिटी वर्कर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूशन की तो है जिसपे थ्रू हो जा रहा है। हाँ जी हाँ। लेकिन कम्युनिटी वर्कर का रिकॉर्ड बहुत यूजफुल रिकॉर्ड है जी। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि लॉ जो है एक मेडिकल प्रोफेशनल को, जो प्रोफेशनल है, उसके ऊपर प्रोफेशनल इथिक्स हैं, प्रोफेशनल बाइंडिंग्स हैं, उतनी बाइंडिंग हमारे कम्युनिटी वर्कर पे नहीं है। लेकिन कुछ हमारे वर्कर्स डॉक्टर साहब डायबिटिक क्लिनिक्स में भी काम करते हैं जी हाँ। तो अगर वो ओपीडी में अपने रिकॉर्ड रखते हैं तो मेरे उस कॉन्टेक्स्ट में कहने का मतलब था कि बहुत ध्यान से उनको रखने पड़ेंगे। लेकिन वो रिकॉर्ड वहाँ पर जब एक बार वो सिस्टम में काम करेगा जी हाँ। मैं इसलिए ये सफाई दे रहा हूँ कि कम्युनिटी वर्कर को डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं होना चाहिए उसके मन में कि कहीं मेरे रिकॉर्ड गलत हो गया तो कहीं मुझे कोई पकड़ न ले, कहीं मेरा जो है चालान ना हो जाए, मेरे को कोई नुकसान ना हो जाए। तो आमतौर से किसी भी संस्था में अगर वो कम्युनिटी वर्कर काम कर रहा है तो उस संस्था में संस्था की जिम्मेदारी है जी।
वो संस्था रिकॉर्ड अपना कैसे रखेगी, कैसे रिकॉर्ड करेगी, कैसे प्रोवाइड करेगी, उसके कम्युनिटी वर्कर के बनाए रिकॉर्ड को कौन ऑथेंटिकेट करेगा, ये सब चीजें प्रिस्क्राइब होती हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई कम्युनिटी वर्कर काम करता है तो कम्युनिटी वर्कर की दी गई जांच को हमेशा कोई ना कोई नर्स या कोई पैरामेडिकल या डॉक्टर उसको हमेशा क्रॉस एग्जामिन करता है और उसको ऑथेंटिकेट करता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी वो डॉक्यूमेंट करे ध्यान से करे, बिल्कुल, और पेशेंट से पूछ के करे, और पेशेंट को पता होना चाहिए कि आप ये डॉक्यूमेंट जो पेशेंट ने कहा है, कई बार हमें रिपीट करना पड़ता है कि आपने ये कहा है, हमने ये डॉक्यूमेंट किया है, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं कि कुछ चीजें एज ए कम्युनिटी वर्कर आपको पेशेंट के लिए जो पेशेंट को करनी चाहिए और कुछ चीजें जो पेशेंट को नहीं करनी चाहिए, यानी कि डू एंड डोंट्स फॉर द डायबिटिक पेशेंट। ये चीजें बतानी पेशेंट को बहुत जरूरी है ताकि वो डायबिटिक फूड को प्रॉब्लम्स प्रिवेंट कर सके, अगर हुई है तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। तो डॉक्टर साहब, अब हमें हाईलाइट आप थोड़ा सा करेंगे कि डू एंड डोंट्स के बारे में। जी, पहले मैं बताता हूँ, और डूज जो है, अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले पेशेंट को अपने फीट इंस्पेक्ट करने हैं डेली। पेशेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने पैरों को अवश्य ध्यान दे। हम चेहरा तो देखते हैं रोज मिरर के अंदर, बट अक्सर हम पैरों को भूल जाते हैं जो कि हमारा वजन उठाए फिरते हैं, तो उन्हें जरूर देखिए। और खास तौर से वो हिस्से जिन्हें आप आमतौर से नहीं देख पाते हैं, जैसे कि उंगलियों के बीच की जगह, सोल को अगर आप नहीं देख सकते, शीशा लगा करके आप जरूर देखिए, और ये देखिए कि कहीं सोल में कोई डिस्कलरेशन या कोई अल्सर तो नहीं बन रहा है। कभी कभी ऐसे पैरों में जहां सेंसेशन नहीं होती है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको कितनी चोट लगी हुई है, और ऐसे वहां पे अल्सर्स बन जाते हैं जो सोर्स बन जाते हैं, लेकिन वो अल्सर वो खुद नहीं देख पाता है अगर वो खुद इंस्पेक्शन ना करे या किसी कम्युनिटी वर्कर से जाँच ना कराए। इसके अलावा सबसे बेसिक मूलभूत सिद्धांत, पैरों को साफ रखिए, और साफ रखने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उन्हें आप अच्छे से धोइए, और धोने से पहले अगर आप उन्हें भिगो सकते हैं थोड़ी देर के लिए पैरों को पानी में डुबो करके, जो स्केल्स हैं जब सॉफ्ट हो जाती है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, तो आराम से उसको नरमी से रगड़ करके जो फालतू स्केल्स हैं उनको हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा मत रगड़िए कि जिससे चोट लग जाए। और उसके बाद पैरों को अच्छे से सुखा करके उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा करके उसके बाद उसको रखिए। तो अगर पैर आपका साफ है और सॉफ्ट है इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा जो फुटवियर है उसकी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमतौर से पैरों को आप जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं ना, कपड़े के जूते, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहते हैं। फीते वाले जूते और अच्छे रहते हैं क्योंकि वो उसको ग्रिप बना के रखते हैं, पेशेंट को जो है चोट नहीं लगती है। फिर भी अगर आपको, जब भी डायबिटिक पेशेंट अगर जाता है डॉक्टर के पास, तो एक बार इस बारे में अपनी राय भी करें, ये भी पूछ लें कि डॉक्टर साहब मेरा जूता जो मैंने पहना है वो ठीक है, या कोई और अगर आप राय देते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर को अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ के ऊपर पैर न रखें, अवॉइड करें, क्योंकि जो इंजरी होगी अगर हल्की सी न्यूरोपैथी शुरू हो रही है तो आप उसको मिस कर जाएंगे, आपको उससे तकलीफ महसूस नहीं होगी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपको गर्म नहीं महसूस होगा। इसके अलावा आप नायलॉन की सॉक्स ना पहने, जूते पहने तो सॉक्स जरूर पहने, और बेहतर है कि वो कॉटन की सॉक्स रहें गर्मी में, और वूलन सॉक्स रहें आपकी सर्दियों के अंदर। इसी तरह से रात को भी पैर ठंडे ना होने पाएं, पैर वार्म रहें, तो पैरों को ढक के रखें, सॉक्स पहन के सोएं, जूतों के अपने जो सोल्स हैं उनको जरूर चेक करें और ये देखें कि कहीं उसमें कोई कील तो नहीं गड़ी हुई है, और अगर कील गड़ी है तो उसे मोची से जरूर निकलवाएं, क्योंकि वो जो कील है कभी कभी इतनी इंजरी पैदा कर देती है कि पेशेंट को पता नहीं चलता, क्योंकि उसके पैर में सेंसेशन कम है। इसी तरह से अगर आपको किसी किस्म का चमड़ी में कोई चेंज नजर आए, चमड़ी का कलर अगर बदलता नजर आए, या पैरों में अगर आपको दर्द या सेंसेशन या कोई टिंगलिंग की सेंसेशन, जैसे कोई आपको कोई पिंच हो रहा हो ऐसी सेंसेशन है, तो जरूर जाइए। अगर मोटरसाइकिल पे बैठना पड़े तो ध्यान रखें कि मोटरसाइकिल के साइलेंसर के ऊपर अपना पैर न रखें। मच्छर जो हैं कभी कभी वो भी आपको इंजरी का कॉज बन सकते हैं, तो कोशिश करें कि रात को आप मॉस्किटो नेट लगा के सोएं। तो मैं समझता हूँ ये डूज हैं, और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जब आपके मन में आए आप उसको पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये पेशेंट को बतानी इनको बहुत ज़रूरी है। जी जी, कुछ डोंट्स भी है जो वो पेशेंट को बताएंगे कम्युनिटी वर्कर, ताकि ये प्रॉब्लम्स उनको ना हो डायबिटिक फूड की? पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि अगर डूज को आप ध्यान में रखेंगे तो डोंट्स अपने आप निकल आएंगे, आप आ जाएंगे। जी, जैसे कि आप नंगे पैर ना चलें। जी हां, कई लोग जो है मानते हैं कि भाई सुबह सुबह नंगे पैर पार्क में चलते हैं, घास में चलते हैं, तो उससे अच्छा लगता है। जी, लेकिन अगर डायबिटिक आदमी है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी कोई चीज फांस चुभ जाए, कोई पत्थर चुभ जाए, तो उससे जो इंजरी होगी उसको नुकसान होगा। दूसरा कि डायरेक्ट हीट अप्लाई ना करें,
पैर के ऊपर, जो डायबिटिक आदमी है वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड से बचे, बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, बहुत ज़्यादा जो इरिटेंट ऑइंटमेंट्स होते हैं ठीक है वो ना लगाएं, पैरों को चौकड़ी मार करके बहुत देर तक ना बैठें, उससे आपके पैर की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। पैरों में अगर आपके एक मानी कैलस बन गया है, कॉर्न बन गया है, तो कृपया उसे ब्लेड से ना कटवाएं, अपने आप नहीं काटना चाहिए। हाँ हाँ, इवन कॉर्न रिमूवर जो हैं वो भी ना लगाएं, उनसे भी आपके पैर में चोट लग सकती है, क्योंकि उसमें जो सैलिसिलेट्स होते हैं वो स्किन को पतला कर देते हैं, स्किन को प्रोन कर देते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि अगर ऐसी तकलीफ है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। और इसके अलावा आप अपने पैरों को ड्राई रखें, कभी भी आप जो है गीले जूते के अंदर ना रहें, गीले जूते के अंदर रहने से आपके फंगल इन्फेक्शन या बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकती हैं। और अपने नाखूनों को जो है बहुत छोटा ना काटें, कभी कभी कई लोग इतना ज़्यादा काट देते हैं कि वो नेल बेड में जाके इंजरी कर देता है। और पैरों की उंगलियों के बीच में क्रीम लगा के ना छोड़ें, क्योंकि वहाँ पर वो वेट हो जाएगा, वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, इन्फेक्शन के चांसेस। जी हाँ, जी हाँ। और जैसा मैंने कहा कि डायबिटीज केयर की जो रिक्वायरमेंट है, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, और स्मोकिंग बेसिक केयर है वो तो पेशेंट को करनी है। और स्मोकिंग से पाया गया है कि अगर पैरों में आपकी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कम हो रही है, आर्टरीज अगर आपकी नैरो हो रही हैं, तो स्मोकिंग जो है इस चीज़ को बढ़ावा देती है। तो स्मोकिंग से खास बचना जरूरी है। जिस पेशेंट को डायबिटिक फुट की तकलीफ शुरू हो गई है, उसको तो स्मोकिंग किसी हालत में उसको नहीं करनी चाहिए। आपने देखा कि हमें डू एंड डोंट्स पेशेंट को बताने हैं, समझाने हैं, और ये देखना है कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज बस मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एम्पुटेशन बहुत कॉमन है जी। और इसमें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो ना कि पेशेंट को बट फैमिली को भी बहुत होती है जी। क्योंकि पेशेंट का लाइफ लॉन्ग हैंडीकैप हो जाता है पेशेंट, तो उसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि डायबिटिक जो हमारा कम्युनिटी वर्कर है वो क्या रोल प्ले कर सकता है? जी, आप कल्पना कीजिए कि एक पेशेंट जो अपने आप को वैसे ही सोच रहा है कि भाई मुझे डायबिटीज़ हो गई, मेरा इतना पैसा खर्च हो रहा है, और मैं अपने आप को वो लो महसूस करता है, ऊपर से अगर उसको पता चले कि नहीं आपका पैर जो है अब काटने की नौबत आ गई है, तो ये मानिए कि ये वाकई एक कैलेमिटी की तरह से है, उस व्यक्ति के लिए भी, उसके परिवार के लिए भी, और एक तरह से उसके लिए डेथ वारंट है। मतलब आप सोचिए कि एक आदमी जो वैसे ही टूटा हुआ है, उसको अगर कह दिया जाए कि भाई आपका पैर तो अब काटने की नौबत आ गई है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि बचाया जाना अति आवश्यक है। और मैंने कहा कि 85% इन एम्पुटेशंस को हम बचा सकते हैं जी। तो ये एक कम्युनिटी वर्कर को एक हौसला रहे अपने मन के अंदर कि मैं खाली अगर इन बीमारियों को मैं अगर ज़्यादा नहीं, जो मरीज मेरे पास हैं, मैं अगर उनको कॉम्प्लिकेशन ना होने दूँ जी, तो ये बहुत बड़ी सेवा भावना है, बहुत बड़े उसके लिए एक कॉन्फिडेंस की बात है, और उसको एक सेंसेशन फीलिंग होगी कि हाँ देखो मैंने समाज के लिए अपने क्या किया मैंने। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताया कि डायबिटिक फुट क्या है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिन करना है, और पेशेंट रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है, और डू एंड डोंट्स जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायबिटिक फुट को की प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करने के लिए और फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशंस के लिए। जो एक एम्पुटेशन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि एम्पुटेशन के बाद जो है पेशेंट साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, और उसकी जो एक्टिव लाइफ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कि सोशली वो प्रोडक्टिव कम होता है पेशेंट। मैं एक सेकंड बस ये कहना चाहूंगा कि अगर एम्पुटेशन हो भी जाए बाय चांस, लेकिन उसका रिहैबिलिटेशन, उसके लिए प्रोसेसेस अवेलेबल है, उसके लिए रिहैबिलिटेशन अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि वो चीज जो है बिल्कुल खत्म हो गई, उसको पेशेंट की मदद की जा सकती है, लेकिन मैंने बताया कि नौबत ना आए तो बेहतर है। धन्यवाद डॉक्टर, ऐड करने के लिए ये पॉइंट कि रिहैबिलिटेशन का रोल, हम जब मिराकल जब हमने काउंसलिंग की थी तो हमने अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया था कि रिहैबिलिटेशन में भी उनका क्या रोल है और वो कहाँ रेफर कर सकते हैं। आज हमने देखा कि डायबिटीज फुट से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और उसकी मैनेजमेंट क्या है। मैं सभी अपने स्टूडेंट से गुजारिश करती हूँ कि जब भी वो फील्ड में जाएं तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद।